देखिए बहुत सारी लाइब्रेरीज पहले से अवेलेबल होती हैं। अब कैसी लाइब्रेरीज, जैसे हम लोग लिखते हैं stdio.h, conio.h लिखते हैं ना हेडर फाइल्स में कि नहीं लिखते, लिखते हैं ठीक है। तो वो क्या है, हेडर फाइल है। क्या है, हेडर फाइल है। उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से दिए होते हैं ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स के लिए एक अलग से यहाँ पे हेडर फाइल यूज करते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच। कौन सा, स्ट्रिंग डॉट एच। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग को हैंडल करने वाले फंक्शंस अवेलेबल होते हैं ठीक है। देखो सी लैंग्वेज सपोर्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट मैनी ऑफ द स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस ठीक है। इसके अंदर ऐसे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो हमको स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स स्ट्रिंग को कॉपी करना है ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, या फिर सब स्ट्रिंग हम लोग को निकालना है। बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5-6 फंक्शंस देखेंगे ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे strlen ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लेंथ। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जानना है ठीक है, वो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, तो हम लोग इस फंक्शन से निकाल सकते हैं ठीक है। हम लोग को क्या पास करना है, इसमें स्ट्रिंग नेम पास करना है। जो भी हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे उसको यहाँ पास कर देंगे, उसका लेंथ निकाल के हमको दे देगा ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नेम ठीक है। जो भी स्ट्रिंग हम लोग पास करेंगे उसका लेंथ हम लोग को निकाल के दे देगा ठीक है। लेंथ मतलब उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है उसको काउंट करेगा ठीक है। समझ पाए इतना ठीक है। नेक्स्ट है strcpy, स्ट्रिंग कॉपी ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो चीजें पास करते हैं ठीक है, सबसे पहला डेस्टिनेशन और सेकंड है सोर्स ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या मतलब है, हम लोग इस सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे इस डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पे ठीक है। दो स्ट्रिंग है हमारे पास, एक स्ट्रिंग का जो भी उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको कॉपी करना है दूसरे स्ट्रिंग में ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो खाली वाला है हमारे पास वो डेस्टिनेशन है, उसको पास कर देंगे, और सेकंड है हमारे पास सोर्स, मतलब सोर्स का हम लोग डेस्टिनेशन पे कॉपी कर रहे हैं। आया समझ में, जैसे कॉपी करते हैं ना कुछ भी चीज ठीक है। जैसे कोई भी दो नोटपैड में खोल लेता हूँ ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखा ठीक है, इसका कंटेंट कॉपी किसमें करना है, दूसरे वाले नोटपैड में। तो कर सकते कि नहीं कर सकते ठीक है, ऐसा कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, ये वाला नोटपैड सोर्स है और ये वाला नोटपैड क्या है, डेस्टिनेशन है। तो मैंने यहाँ का स्ट्रिंग कॉपी कर दिया इसमें ठीक है, तो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक वो स्ट्रिंग पहुंच जाएगा ठीक है। फिर उसके बाद आता है strcat, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना मतलब जोड़ देना ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे strcat। अब यहाँ पे हम लोग दो स्ट्रिंग पास करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ठीक है, ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कॉनकेट्स और ज्वाइन द फर्स्ट स्ट्रिंग विथ सेकंड स्ट्रिंग, द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दोनों का ऐड करेगा मतलब जोड़ देगा, और कहाँ पे स्टोर करेगा, फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद फोर्थ आता है strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, तुलना करेगा ठीक है, दो स्ट्रिंग को तुलना करेगा और उसमें से बताएगा कि वो बराबर है या नहीं है ठीक है। अगर बराबर है तो वो वन रिटर्न करेगा, अगर बराबर नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा। आए समझ में, बराबर नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा ठीक। देखो यहाँ पे कंपेयर्स द फर्स्ट स्ट्रिंग विथ सेकेंड स्ट्रिंग, इफ बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम इट रिटर्न जीरो, सॉरी रिटर्न वन है यहाँ पे ठीक है, जीरो नहीं है, रिटर्न वन ठीक है। अगर दोनों सेम होगा तो वन रिटर्न करेगा।
आया समझ में? फिफ्थ आता है स्ट्रिंग रिवर्स, STRREV, ठीक है। अगर किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग को रिवर्स करना है, मतलब उल्टा लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। रिटर्न्स रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स करके हम लोग को रिटर्न करके देगा। आया समझ में? नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग लोअर, STRLWR, ठीक है। रिटर्न स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन लोअर केस, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रिंग है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, वो स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देगा, मतलब लोअर केस में चेंज कर देगा, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे स्ट्रिंग अपर, STRUPR, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर देगा, किसमें चेंज करेगा, अपर केस में चेंज कर देगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया पक्का? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास 7 टाइप्स के यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल है। कौन कौन से, स्ट्रिंग लेंथ जो हमें लेंथ रिटर्न करेगा किसी भी स्ट्रिंग का, सेकंड है स्ट्रिंग कॉपी, सोर्स एरे को, सॉरी सोर्स स्ट्रिंग को कॉपी करेगा डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पे, ठीक है। थर्ड है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग कॉन्कैट इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉन्कैट मतलब होता है जॉइन या फिर मर्ज, ठीक है। ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ेगा, मर्ज करेगा, ठीक है, या फिर ज्वाइन कर देगा, ठीक है। जैसा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग वन के बाद स्ट्रिंग टू को ज्वाइन कर देगा, ठीक है। स्पेस है तो स्पेस, नहीं है तो नहीं, ठीक है, जैसा है वैसे ही उसको ज्वाइन कर देता है। आया समझ में? फोर्थ है स्ट्रिंग कंपेयर, दो स्ट्रिंग में कंपेयर करेगा, तुलना करेगा, और अगर दोनों बराबर होंगे तो वन रिटर्न करेगा, अगर नहीं होंगे तो जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वन और जीरो वैल्यू आती है ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई दूसरे कंपाइलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम 5 से 6 हजार कंपाइलर आते हैं सी लैंग्वेज के लिए, सब में अलग अलग वैल्यू आती है, ठीक है। किसी में जीरो आएगा, किसी में वन आएगा, ठीक है, वो रन करने के बाद पता चलेगा। जैसे कि टर्बो सी प्लस प्लस भी हम लोग अगर पुराना वर्जन यूज करेंगे, ठीक है, जो विंडोज एक्सपी में चलता था ओरिजिनल वर्जन, उसमें वैल्यू जीरो आती थी, ठीक है। नए वर्जन में वन आएगी, किसी में जीरो आएगी, ठीक है। तो वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। जब रन करेंगे हम लोग के सिस्टम में कौन सा वर्जन इंस्टॉल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर दोनों बराबर होगा तो वो वन ही रिटर्न करेगा, ठीक है। आया समझ में? तो एग्जाम में हमेशा यहाँ पे वन ही लिखोगे, ठीक। फिफ्थ है स्ट्रिंग रिवर्स, रिटर्न्स रिवर्स स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें रिवर्स करना है तो हम लोग स्ट्रिंग रिवर्स का यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग लोअर, रिटर्न्स स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन लोअर केस, ठीक है, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग अपर, रिटर्न्स स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इन अपर केस, मतलब अगर लोअर केस में तो उसको अपर केस में चेंज कर देगा, मतलब कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देगा। आया समझ में? तो इसको रट लो, 7 टाइप के फंक्शंस है यहाँ पे। क्या है ये फंक्शंस, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो बातें नहीं, सब रिकॉर्ड होगा इसमें, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है। कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग बताओ, कैर STR1, ठीक है। यहाँ पे मैं साइज देता हूँ, मान लो 50, ठीक है, मेमोरी बहुत है हमारे पास, कितना भी साइज ले सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ साई कॉलेज, ठीक है, एक स्ट्रिंग बना लिया मैं, ठीक है। और एक दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ STR2,
ठीक है, इसका भी साइज में देता हूँ 50, ठीक है, साइज इसका हम लोग कितना भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या लिखूं बताओ, ठीक ठीक है, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहला मैथ फंक्शन कौन सा है बताओ, कौन सा फंक्शन है सबसे पहला, कॉपी में देखो और बताओ। स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, तो स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला है लेंथ, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इंटीजर टाइप की, ठीक है, इंट एल में ले लिया यहाँ पे, ठीक है, या फिर एल ई एन, ठीक है, एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं एस टी आर एल ई एन मैंने लगाया और यहाँ पे मुझे लेंथ जानना है एस टी आर वन का, ठीक है, एस टी आर वन का मुझे लेंथ निकालना है और लेंथ यहां से हम लोग को मिलेगा और उसको हम लोग किसके अंदर स्टोर कर देंगे, लेन नाम का जो वेरिएबल हमने इंटीजर का बनाया है उसमें, ठीक है। जो हम लोग को यहाँ से वैल्यू रिटर्न मिलेगी वो इंटीजर में ही मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेन में स्टोर कर देंगे और प्रिंट कर देंगे लेन को, लेंथ ऑफ एस टी आर वन और यहाँ पे परसेंट डी और कॉमा देके लेंथ, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूं, सेव करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग एग्जाम्पल डॉट सी, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक एरर मिलेगा, इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लेंथ मिलेगा नहीं, ठीक है, क्या मिल रहा है लेंथ 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने कैरेक्टर से काउंट करो, तीन और सात कितना हो गया 10 और एक स्पेस 11 है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन होता है ये एक अकेला फंक्शन होता है जो बिना किसी भी हेडर फाइल के काम करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक हेडर फाइल हमेशा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है, कौन सा हेडर फाइल, स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। इसी के अंदर सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जितने भी हम लोग फंक्शन अभी देखें सारे के सारे फंक्शंस इसी हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होंगे, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ जो है वो बिना हेडर फाइल के भी काम करता है, यही एक अकेला फंक्शन है, ठीक है। बाकी अगर फंक्शन यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो रन टाइम पे ही एरर बताएगा, ठीक है, कंपाइल टाइम पे नहीं बताएगा, रन टाइम पे एरर बताएगा, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाला स्ट्रिंग लेंथ, सेकेंड कौन सा है बताओ, स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, दूसरा स्ट्रिंग एस कैर, चलो मैं इसी को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखता हूँ एस टी आर सी पी वाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर पास करने हैं, कौन कौन से, सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है। अब मान के चलो कि हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रिंग कॉपी यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, स्ट्रिंग वन की वैल्यू हम लोग को कॉपी करना है स्ट्रिंग टू में, ठीक है, स्ट्रिंग वन की वैल्यू कॉपी करना है स्ट्रिंग टू में, तो हम लोग लिखेंगे एस टी आर टू कॉमा एस टी आर वन, ठीक है। तो स्ट्रिंग वन की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, स्ट्रिंग टू में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग प्रिंट किसको करेंगे, स्ट्रिंग टू को प्रिंट करेंगे, ठीक है,
इसको क्या हो गया, चलो ठीक है ठीक है, क्या लिख रहे थे, STRCPY ठीक है, यहां पे हमने पास किया था STR2, STR1 ठीक है। अब हम लोग प्रिंट किसको करेंगे, STR2 और यहां पे लिखेंगे %S, STR2 ठीक है। सो सेव करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया, दिखा STR1 में क्या था, साई कॉलेज था, अब STR2 में भी क्या आ गया, साई कॉलेज आ गया ठीक है। देख सकते हो साक्षात दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, STR2 के अंदर मेरा नाम था, अब वो क्या बन गया है, साई कॉलेज यहाँ पे बन गया है। तो कॉपी हो गया स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में, तो हम लोग को बार बार वहां वैल्यू असाइन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा कॉपी भी कर सकते हैं ठीक है। अगर विश्वास नहीं होगा तो देख लो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दो बार एन हो गया है। नेक्स्ट फंक्शन बताओ कौन सा है, कौन सा है, स्ट्रिंग STRCAT, चलो ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग को मर्ज करेंगे ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, STR2 के बाद ध्यान से यहां देखते जाओ, STR2 के बाद किसको मर्ज करूंगा, STR1 को मर्ज करूंगा ठीक है, और प्रिंट किसको करूंगा, STR2 को ठीक है। जो भी स्ट्रिंग पहले पास होगा उसके बाद दूसरा वाला स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएगा ठीक है, आया समझ में। मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूं ताकि हम लोग का जो आउटपुट है बहुत अच्छे से दिखे ठीक है। STR2 और यहाँ पे दूंगा %S, STR2 ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, दिखा वो वाला, देखो ऊपर वाला दिखा ठीक है, मर्ज हो गया। अगर मैं वहां पे स्पेस नहीं देता, यहां पे अगर मैं स्पेस नहीं देता तो क्या होता, बिना स्पेस के वहां पे डिस्प्ले होता ठीक है, मतलब जैसा स्ट्रिंग है वैसा ही वहां पे वो ज्वाइन कर रहा है ठीक है। दिखा स्पेस आया क्या अभी बीच में, नहीं आया, तो जैसा स्ट्रिंग है वैसा ही हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग को पास करेंगे, यहाँ पे STR2 पहले लिखे तो पहले STR2 आएगा, उसके बाद STR1 आएगा। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, यहाँ पे STR1 लिखता हूँ और यहाँ पे STR2 करता हूँ, तब क्या आएगा ठीक है, STR1 पहले आया बाद में STR2 आया ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन बताओ, स्ट्रिंग कंपेयर STRCMP ठीक है। अब ये भी हम लोग को एक वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक CMP नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया ठीक है, किस किस में कंपेयर करना है हम लोग को, STR1 और STR2 ठीक है, दोनों में हम लोग को कंपेयर करना है। और यहां से हम लोग को एक वैल्यू रिटर्न मिलेगी ठीक है, वैल्यू जो रिटर्न मिलेगी उसको मैं स्टोर करूंगा CMP नाम के वेरिएबल पे ठीक है। वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पे प्रिंट किसको करूंगा मैं, CMP को, प्रिंटफ ठीक है, CMP वैल्यू ठीक है, %D और %CMP ठीक है, और यहाँ /n लगा लेते हैं, सेव करते हैं इसको, कंपाइल करते हैं और रन कर लेंगे ठीक है। क्या वैल्यू दिख रहा है, 15 वैल्यू
ठीक है। अब यहां पे जो 15 वैल्यू आई है इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। देखो अगर दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम होते, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग जो है अगर सेम होते तो या तो हम लोग को जीरो वैल्यू मिलती या तो वन वैल्यू मिलती, ठीक है। अभी दोनों सेम नहीं है, सेम है क्या? नहीं है। यहाँ पे ASCII डिफरेंस हम लोग को निकाल के मिलेगा। ASCII वैल्यू हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ASCII वैल्यू मतलब एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करेगा और उसके ASCII वैल्यू का डिफरेंस निकालेगा, ठीक है। ASCII वैल्यू का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे देगा, ठीक है। अगर जीरो और वन को छोड़ के कोई दूसरी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब हम लोग को समझ जाना है कि दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, ठीक है। जीरो और वन को छोड़ के अगर कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी तो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। आया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों स्ट्रिंग को सेम करके देखते हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम। यहां पे भी मैं लिखता हूं, ठीक है, सेम एकदम। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं, तो क्या वैल्यू मिल रही है? जीरो, ठीक है। कोई कोई कंपाइलर में वन भी मिलेगी, ठीक है, तो डरना नहीं है। अगर दोनों वैल्यू सेम होगी तो वन भी मिल सकती है और जीरो भी मिल सकती है, ठीक है। अदर देन जीरो और वन दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, मतलब कंपेरिजन करने के बाद हम लोग को ASCII डिफरेंस वहां पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन बताओ, स्ट्रिंग रिवर्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। STRREV, ठीक है। अब मैं यहां पे पास करता हूं STR1, ठीक है, और प्रिंट करूंगा STR1 को, ठीक है। परसेंट एस यहां पे लिख लेते हैं, स्लैश एन रिवर्स ऑफ STR1, ठीक है, और कॉमा देखिए STR1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं। दिख रहा है कहाँ दिखा? नीचे में देखो, यहाँ पे नीचे में भी उल्टा कर दिया, ठीक है, दिखा रिवर्स ऑफ STR1, दिख रहा है उल्टा प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या कर दिया हम लोग, रिवर्स कर दिए, ठीक है। चलो एक और मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं किसी का नाम लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नितिन, क्या लिखे हमने, रिवर्स कर दिया कि नहीं किया? रिवर्स हुआ या नहीं हुआ? हुआ है पक्का? कैसे हुआ है रिवर्स, मेरे को तो नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, क्या बोलते हैं?